subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई में गर्मी बढ़ गई है। जी हाँ, जो आप सोच रहे हैं वो गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं। ये मौसमी गर्मी नहीं बल्कि नवी मुंबई महानगर पालिका की आगामी चुनाव की गर्मी है। इस गर्माहट में राजनेता अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इसी तरह नवी मुंबई शहर में कई सारे राजनेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी तरह बीजेपी के विधायक गणेश नाइक ने सुरेश कुलकर्णी के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं। या क्लुबा स्टोरच्या शिवशक्ति नगरच्या जनतेच्या पायामध्ये तुझे जोडे घातले तरी त्याचे उपकार फिटणार नाही, इतक्या लोकांनी तुझ्यावर प्रेम केलं। रेल्वे स्टेशन समोर पूल बांधण्याचं काम पूर्ण झालं, टेंडर झालं आणि ह्या गडी जाऊन सांगितलंय काम बंद कर, नका टेंडर रद्द करा, ये बात नहीं है। तो कसम लेके उसको बोलो कि तेरी माँ की कसम लेके बोल कि भाई तुझे ये काम रद्द करने के लिए बोला कि नहीं बोला। तो आइए मिलते हैं करने का इस पर क्या कुछ कहना है। हमने क्या किया था, डीजेएन महानगर पालिका ने गलत तरीके से बनाया था। वहाँ पर डिजाइन गलत तरीके से ऐसा बनाया कि चारों बसें से फिलिंग करके और खाली ओनली फोर व्हीलर गाड़ी और बाइक जाएगा, वो हिसाब से उन लोगों ने डिजाइन बनाया। तो हमने उसको मना किया, बाबा ये नहीं चाहिए हमारे पास। जैसा सविता केमिकल के सामने जो उड्डन ब्रिज बनाया, वो हिसाब से उड्डन ब्रिज ले लो कि कल ऐसा हो कि उधर कल तुम लोग छोटा ब्रिज बना के फोर व्हीलर जाएगा, बाइक जाएगा, तो कल ये सारे भेजने लागू होएगा, तो यहाँ पर डेवलप होएगा एरिया, वहाँ पर बस जाना चाहिए, ट्रक जाना चाहिए। ये हिसाब से ये ब्रिज रद्द करके हमको जो सविता केमिकल के सामने जो ब्रिज बनाया वैसा उड्डयन ब्रिज बनाओ करके ऐसा हम फिर दोबारा डिजाइन वो चेंज करके उसको रद्द करने के लिए बोला और ये चालू करने के लिए ऐसा हमने बोला। जैसे सबसे बात हो गया, कमिश्नर से बात हो गया, उन्होंने बोला कि हम लोग थोड़ा डिजाइन चेंज करके महासभा में लेके आएंगे। तो उन्होंने डिजाइन भी चेंज किया। डिजाइन चेंज करके ने के बाद में डिजाइन आया, वो ब्रिज उस जगह पे उड्डन ब्रिज का लेके आए। तो उड्डन ब्रिज का लेके आया उस टाइम में महापालिका में प्रस्ताव आया। प्रस्ताव के टाइम में मैंने वो भी बोला कि ये कॉन्ट्रैक्टर हाँ ब्लैक लिस्टेड है, ये काम नहीं कर पाएगा, वहाँ पर बहुत सारे अवगत हो गए ले, उस जगह पर तुरंत जल्दी जो काम करेगा उनको काम दे दो आप। उस जगह पर मैं सभाघर में भी उनको रिक्वेस्ट किया, सभाघर में भी मैं उनको बोला ये ब्लैक लिस्टेड है, उसको काम मत दो, दूसरा किसी को काम दे दो। तो उस जगह पे वो मान्यता दिया किसी का जिद पे। वो कॉन्ट्रैक्टर कौन है, वो नहीं है, कौन उसका पार्टनर है, वो हमको मालूम नहीं, वो सबको दुनिया को ही मालूम है। तो उस जगह पर मैंने बोला कि उसको मत दो, दूसरे को दे दो काम, तो तुरंत अपना काम चालू होएगा। तो फिर चलो किसी के हाथ पे वो काम चालू होगा, प्रस्ताव मंजूर किया हो गया। चलो वो होने के बाद में फिर मिसाल साहब ने हमको कहा कि भाई ये अगर इसको काम देगा कॉन्ट्रैक्टर के, बहुत सारे लोग को अपने को नुकसान भी होएगा और ये कल काम नहीं कर पाएगा, आप लेटर दे दो। तो कमिश्नर साहब बोला कि मिसाल साहब बोले कि चलो लेटर दे दो। तो मैंने लेटर दिया कि अपने को इसको तुरंत कैंसिल करके अपन दूसरा टेंडर निकालेंगे, तुरंत काम चालू होएगा। तो उसमें भी किसी का हट का ऊपर जिद की वजह से वो काम रुक गया। वो काम रुकने के बाद में चलो वो भी मंजूर भी कर दिया, काम पास हो गया, टेंडर हो गया, सब हो गया, उनको काम भी मिल गया। काम मिलने के बाद में फिर उन्होंने महानगर पालिका में पैसा नहीं भरा, वो EMD के जो कुछ भी रहते वो पैसा भर नहीं पाया। उन्होंने दूसरे अकाउंट से जो पैसा भरा फिर वो रिटर्न निकल के लिए, उसके वजह से वो मैटर कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद में भी मैं इन्हें कमिश्नर अभी के जो कमिश्नर है उनसे भी बात किया, उनको मैं लेटर भी दिया, उनको लेटर ऐसा दिया कि सर अगर जो लोवेस्ट है अगर उसको काम देगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सर ने कहा कि उस जगह पे उसको अगर लोएस्ट को अगर लेटर देगा अपन काम देगा तो तुरंत वो और स्टे ले लेगा, ऐसा नहीं करने का अपने को। उस जगह पे उसको अपन तुरंत जितना हो सके उतना जल्दी लेके और जितना जल्दी हो सके उतना अपने को काम चालू करना है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया और वो हिसाब से ये काम रुक गए। सर जब तक आप लोग साथ में थे तब तक इस तरह की मतभेद नहीं सामने आ रही थी, जब से अलग हुए तो ये मतभेद आ रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको डर है कि जो सीट 6 सीट यहाँ से आप निकाल रहे हैं, क्या वो डर है उनको? देखो जो स्कूल में हम भी पढ़ते थे, हमारे हेडमास्टर भी कौन थे आपको सबको मालूम है। उस जगह पे जो सीट लाना नहीं लाना है हमने काम किया है, वो काम का जोर पे हम बोल रहे थे, किसी का ऐसा कि उसके दबाव पर इस पर हमको बोलने की ज़रूरत नहीं। और जो भी काम है हमारी जो भी इतना इलेक्शन का है जितना भी सीट है हम उतना काम किया ले, कल कोई बोलेंगे फिर कल ये काम नहीं किया वो काम नहीं किया, हमने जो भी काम पब्लिक को महानगर पालिका के माध्यम से जो काम पहुँचाना है वो काम सब पूरा पहुँचा दिया। सर अभी न्यूज़ में ये दिखाई दे रहा है कि हमने उनको बनाया, उनको उनने बनाया, तो इस पर आपका क्या मत है, क्या कहना चाहेंगे? देखो कोई किसी को बनाता नहीं, अपने अपने तरीके से बड़ा होता है। और हमको अगर उन्होंने बनाया, मैं जो सामने वालों को बनाया तो मेरे को बनाया, उनको भी किसी ने बनाया होगा, उसके बारे में मेरे को बोलना नहीं ज़्यादा। सर दूसरा सवाल ये है कि किस तरह से आगामी चुनाव को लेकर आपकी तैयारी है, क्या विरोधी पक्ष को डर है आपसे? देखो डर है क्या नहीं, मेरा काम मैं कर रहा है, आज नहीं कर रहा है, मैं
25-30 साल से काम करते आ रहे हैं और पब्लिक को मालूम है कि यहाँ पर सब दुख सुख में जो महानगर पालिका का काम होएगा, जो नौकरी प्रश्न है, जो दूसरे का शादी का है, दुख सुख में जो भी है, मैं उनको पब्लिक तलक पहुँचता है, उनका दुख सुख में मैं काम करता है। अगर मेरे को नहीं करना रहा तो मेरे को इतना पब्लिक जुड़ते नहीं थे, मेरे को बाहर का पब्लिक लाने की जरूरत नहीं, कोई मानकुर चंबूर क्वारी इधर से उधर से पकड़ के लाने की जरूरत नहीं। विधायक गणेश नाइक के सभी आरोपों और मां की कसम के चैलेंज को पूर्व स्थायी समिति के सभापति सुरेश कुलकर्णी ने बड़ी ही सफाई के साथ जवाब दिया है। अब देखते हैं अगला वार कौन करता है और क्या कहता है। पंकज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।